नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चाइना को नजरअंदाज करना भारत के लिए भारी पड़ सकता है। चीन एलएसी से 2 किलोमीटर पीछे हटकर भारत को चकमा देने की कोशिश में है। अगर उसे पीछे ही हटना होता तो वह एलएसी तक आता ही क्यों। संभवतः चीन की मंशा कुछ और है। लगता यूं है कि इस बार वह आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वैसे भी यह चीन के स्वभाव में शामिल रहा है कि वह सदैव पीठ पर वार करता है। साल 1962, 1967, फिर 1987 और 2017 में उसने यही रणनीति अपनाई थी। 2020 का साल उस नीति को अमली जामा पहनाने का हिस्सा है। यानी चीन की तरफ से भारत पर कार्रवाई की संभावना कम नहीं हुई है। चीनी राष्ट्रपति ने जिस जंग के लिए तैयारी का उद्घोष किया था उसके केंद्र में संभवतः भारत ही है। यानी इस वक्त भारत की जरा सी चूक उस पर भारी पड़ सकती है। एलएसी पर ताजा गतिविधियों का आकलन करने से पहले चीन की चाल को समझना जरूरी है। यह मुल्क आज भी हमसे 2 कदम आगे जाकर सोचता है। चीन ने लद्दाख में अपनी सेना का जमावड़ा करके 2 तरह की सूचनाएं हासिल करने की कोशिश की है। चीन ने 1 महीने से चल रहे विवाद में भारत के हितैषी देशों के विषय में जान लिया है। यानी अगर चीन और भारत भिड़ते हैं तो वे कौन से देश होंगे जो भारत की मदद को आ सकते हैं। दूसरा, चीन को यह भी ज्ञान हो गया कि इन हालातों में भारत किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है चीन अब इन हथियारों के न केवल काट तलाशेगा बल्कि उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हथियारों को विकसित करेगा। इसके अलावा भारत के समर्थक मुल्कों में सेंग भी लगाएगा। पर इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि चीन पूरी तरह शांत बैठ गया है। चीन मौका मिलते ही भारत पर फिर से घात करेगा। इसका वक्त कभी भी आ सकता है। इसलिए भारतीय सेना और सरकार का मुस्तैद रहना जरूरी है। सरकार के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती है कि वह चीन के झांसे में ना आने पाए। भारत ने एलएसी पर 60 बोफोर्स तोपे भेजकर अपनी गंभीरता को जाहिर कर दिया है। वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जबकि जमीनी सेना की संख्या बढ़ाकर चीन को जैसा तैसे की भाषा में जवाब देने की तैयारी है। जबकि एलएसी के पार जिनपिंग की आर्मी ने भी आर्टिलरी का हमला तैनात कर दिया है। यानी चालें दोनों तरफ से चली जा रही है। अब दांव का इंतजार है। यहाँ जिसका दांव बड़ा होगा पलटा उसी का ही भारी माना जाएगा। इस बार ट्राई का संघर्ष भी कुछ इसी तरह छल प्रपंच से लड़ा गया था। चीन भी कहीं ना कहीं उसी रणनीति से प्रेरित होकर चालबाजियां दिखा रहा है। विशेषज्ञ तो यही कहते हैं कि चीन जिस तैयारी से आया है वह डोकलाम के मुकाबले बेहद आक्रामक और मजबूत है। 5000 सैनिकों को सीमा पर खड़ा करना और युद्धाभ्यास की तैयारी में जुट जाना अप्रत्याशित है। ऐसे युद्धाभ्यास तभी किए जाते हैं जब उस क्षेत्र में कोई खतरा हो अथवा वहां पर कार्रवाई करने का प्लान बनाया गया हो। चीन ने अपने इलाके में फाइटर प्लेन के विशाल हैंगर बना लिए हैं। उसके J-7 विमान रात को पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। वैसे इसके पीछे की वास्तविकता यही है कि वे अपनी तैयारियों की जांच परख में जुटे हैं। चीन का टारगेट फिलहाल लद्दाख है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि चीन 3488 किलोमीटर लंबी मैकमोहन सीमा का सम्मान करेगा। वह अपना मोर्चा कहीं भी खोल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत लद्दाख में ध्यान लगाए रखे और चीन अरुणाचल प्रदेश में अतिक्रमण कर डाले। यानी चीन की चालाकियों को समझने के लिए चीन से 10 कदम आगे जाकर सोचने की जरूरत है। इस वक्त चीन से लगती सीमा का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं है। जिनपिंग के युद्ध की तैयारी वाले बयान को हमें वियतनाम से नहीं जोड़कर भारत से संबद्ध कर देखना होगा। चीन के बारे में कहावत मशहूर है कि जो वह कहता है उसे करता नहीं है और जो करता है उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। ये चीन के डीएनए में शामिल है कि उसके हर फैसले में मक्कारी छिपी होती है। इसलिए वार्ता की मेज पर चाय की चुस्की में लापरवाही ज्यादा भारी पड़ सकती है। खासतौर से चीन से लगती 3500 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूर्ण चौकसी की ज्यादा जरूरत है। जो लोग इस गफलत में है कि चीन कोरोना वायरस से ध्यान हटाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है उन्हें चीन के अतीत के अध्ययन की जरूरत है। इसलिए सजग रहो, सतर्क रहो और अपनी तैयारियों में ढील हरगिज ना दो। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।